हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल रीड द सेक्शन सी ऑफ फिफ्थ यूनिट ऑफ इंग्लिश चैनल कोर्स बुक एंड द स्टोरी इज टाइटल्ड व्हाट केटी डिड। केटी ने आखिर क्या किया। तो क्या आपको लगता है कि एक पॉजिटिव और चीयरफुल अप्रोच अगर रखा जाए तो हम किसी भी बीमारी से जल्दी रिकवर कर सकते हैं? ऑब्वियसली इफ वी हैव अ पॉजिटिव अप्रोच एंड अ चीयरफुल डिस्पोजिशन देन वी कैन ईजिली रिकवर आवर सेल्फ फ्रॉम एनी इलनेस फ्रॉम विच वी हैव बिन सफरिंग। तो ये जो कहानी है वो एक यंग गर्ल के बारे में है जो कि रिकवर कर रही है एक एक्सीडेंट से। जब उसे ये एहसास होता है कि वो लंबे समय तक बेड पे ही पड़ी रहेगी, शी इज़ वेरी डिस्पोंडेंट, वो काफ़ी निराश होती है। तो आइए पढ़ते हैं इस स्टोरी में कि हाउ शी ओवरकम्स हर डिप्रेशन, वो कैसे अपने डिप्रेशन से दूर होती है, अपनी परेशानियों से दूर निकलती है और उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है अपने हेल्थ को रीगेन करने में, वापस पाने में। सो इट स्टार्ट्स लाइक, अब जबकि उसे मालूम था कि कोई और चांस नहीं था कि वो एकाएक ठीक हो जाए, द डेज ड्रैग्ड ड्रेडफुली, जो दिन थे वो बड़े ही बुरी तरीके से बीत रहे थे, काफ़ी अनहैप्पी वे में उसके दिन बीत रहे थे। उसने अपना हिम्मत खो चुका था और टुक नो इंटरेस्ट, और उसे किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं थी। आंट इजी, जो उसकी आंट है, वो उसके लिए बुक्स तो लाया करती लेकिन वो उन्हें पढ़ती नहीं, वो उन्हें पढ़ना नहीं चाहती। नथिंग अम्यूज्ड हर, उसे किसी बात से खुशी नहीं होती। क्लोवर एंड क्ले एंड शशि, क्लोवर एंड शशि भी उसके आसपास आकर बैठा करते हैं लेकिन और बट हियरिंग देम टेल अबाउट प्लेज मेड हर क्राई सो माइजरेबली, लेकिन जब कभी भी वह सुनती उनकी कहानियों को उनके खेल के बारे में तो उसे और भी ज़्यादा अनहैप्पी फील होता, उसे और भी ज़्यादा कष्ट पहुँचता। तो इस कारण से आंट इजी ने उन्हें कह रखा था कि वो अक्सर ना आया करें। दे वर वेरी सॉरी फॉर किटी, इन सभी को, आंट इजी, क्लोवर, शशि, इन सभी को किटी के लिए काफ़ी अफसोस था, लेकिन जो कमरा था वो भी इतना ग्लूमी, सैडनेस से भरा, और किटी हमेशा इतनी अपसेट कि कुछ कहा नहीं जा सकता, दैट दे डिड नॉट माइंड मच नॉट बीइंग अलोंग टू सी हर। लेकिन किटी की परेशानियों और उसके बर्ताव को देखकर इन्होंने भी सोच लिया था कि अब कुछ दिन नहीं आने में ही अच्छाई है, भलाई है, ताकि किटी अपने हिसाब से रिकवर कर सके, बिकॉज शी डिड नॉट वॉन्ट एनी कंपनी ऑफ एनी पर्सन। केटी मेड आंट इजी कीप द ब्लाइंड शट टाइट। अब केटी आंट इजी को कहकर अपने कमरे के सारे पर्दे दरवाजे बंद रखवाती और दिन भर अंधेरे कमरे में लेटी रहती, सोचती रहती कि कितनी कठिन है उसकी जिंदगी, हाउ माइजरेबल शी वॉज। हर कोई उसके लिए काफ़ी परेशान, काइंड रहता, पेशेंट रहता उसके साथ, बट वो हमेशा ही सेल्फिशली, वो हमेशा अपने आप में ही खोई रहती, दूसरे की बातों पे कोई ध्यान ही नहीं देती। मतलब वो इतनी कमज़ोर पड़ चुकी थी, इतनी अकेली पड़ चुकी थी कि वो किसी की बातों पर ध्यान देना चाहती ही नहीं थी। आंट इजी दौड़ कर आती उसके पास, नीचे जाती सीढ़ियों पर, मतलब उनका भाग दौड़ लगा रहता और अपने कदमों पर होती ताकि वो किसी भी तरह से ट्राइंग टू गेट समथिंग विच कुड प्लीज हर, कि वो उसे किसी तरीके से खुश कर सके। बट केटी हार्डली सेड थैंक यू आई नेवर सॉ हाउ टायर्ड आंट इजी लुक्ड, और कभी इस बात को भी ध्यान नहीं देती कि आंट इजी कितनी थकी हुई लग रही हैं। सो लॉन्ग शी वॉज फोर्ड टू स्टे इन बेड, तो जब तक कि वो बेड में होती केटी कुड नॉट बी ग्रेटफुल फॉर एनी थिंग दैट वॉज डन फॉर हर। इतनी लंबे समय से जब केटी अपने बिस्तर पर पड़ी है तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो उस केटी के लिए कितना कुछ कर रही हैं। केटी कुड नॉट बी ग्रेटफुल, वो उसकी तरफ कोई भी ग्रेटेस्ट कृतज्ञता नहीं दिखाती। सबसे पहली चीज़ जो थी वो एक बुरी खबर थी। अ सैड स्टेट ऑफ अवेयर्स वॉज अ लेटर फ्रॉम कज़िन हेलन विच पापा हैड ब्रॉट वन मॉर्निंग। एक और बुरी घटना हुई कि उसके पिताजी ने कज़िन हेलन का एक लेटर लाया और सुबह सुबह आंट इजी को थमा दिया। अब अगले वीक केटी को हल्का फीवर था, जैसा कि अनुमान था उसे हल्का फीवर था, और एट लास्ट कज़िन हेलन केम, और कज़िन हेलन आती भी हैं। इस बार केटी वॉज नॉट ऑन द स्टेप्स टू वेलकम, केटी दरवाजे पर नहीं थी, बट आफ्टर लिटिल वाइल
पापा ब्रॉट कजिन हेलन इन हिज आर्म्स एंड सेट हर इन अ बिग चेयर बिसाइड द बेड। लेकिन कुछ देर के बाद कैटी देखती है, क्योंकि वो रिसीव करने जा नहीं पाई है अपनी कज़िन हेलन को, तो उसके फादर हेलन को ही लेकर आते हैं उसके पास। इट वॉज अ फॉरलॉर्न लुकिंग चाइल्ड इनफ विच कज़िन हेलन सॉ लाइंग बिफोर। ये बिल्कुल काफ़ी अनहैप्पी और अकेला बच्चा लग रहा था, जैसा कि कज़िन हेलन ने देखा जो उसके सामने बिस्तर पे पड़ा था। केटी की जो फेस थी वो बिल्कुल दुबली हो चुकी थी, उसकी आइज़ में लाल रेड सर्कल्स बन चुके थे कमज़ोरी के कारण, क्योंकि वो लंबे समय से रोती ही रहा करती। उसके जो हेयर थे, हालांकि दो बार ब्रश किए जाते, दो बार कंघी किए जाते, साफ़ किए जाते उस सुबह किए गए थे दैट मॉर्निंग लाइक बाय आंट इजी, बट केटी हैड रन हर फिंगर्स इम्पेशेंटली। लेकिन केटी अपने फिंगर्स अपने बालों में करते करते उसने अपने सवरे बालों को भी ख़राब कर लिया था, और ऐसा लगता था जैसे कि वो उसके सिर पे एक फ्राउजी बुश झाड़ियों की तरह बैठा पड़ा। शी वोर कैलिको ड्रेसिंग गाउन, उसने कैलिको एक कॉटन वी कैन से अ प्लेन वुमेन क्लॉथ, एक सिंपल सा कपड़ा जो कि पेशेंट्स पहनते हैं ताकि उन्हें कंफर्ट फील हो सके, सो दैट अ ड्रेस शी वॉज वियरिंग। हालांकि वो साफ था लेकिन अगली इन पैटर्न एंड द रूट फॉर ऑल इट्स टाइडनेस हैड टू अ डिसमल लुक विद अ चेयर सेट अप अगेंस्ट द वॉल एंड अ रो ऑफ मेडिसिन बॉटल्स ऑन द चिमनी पीस। अब वो एक बिल्कुल ही साधारण सा कपड़ा पहनी थी जो कि उदास ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि पूरे कमरे में अंधेरा था और एक उदासी भरा माहौल बिछा हुआ था कि जहाँ पर खिड़कियों पर दवा की शीशियाँ और दरवाजे से लगे दीवालों पर कुर्सियाँ चिपका कर रखी गई थी, कुर्सियाँ लगा कर रखी गई थी। Isn't it horrid? said Kitty. केटी कहती है कि क्या ये हॉरिड नहीं है। कज़िन हेलन जब उसकी तरफ देखती है वो कहती है एवरीथिंग इज़ हॉरिड बट आई डोंट माइंड सो मच नाउ दैट यू हैव कम। वो कहती है कि केटी कहती है कि अब मुझे उतना बुरा नहीं लग रहा क्योंकि फाइनली तुम मेरे पास आ चुकी हो। ओ कज़िन हेलन आई हैव हैड सच अ ड्रेडफुल ड्रेडफुल टाइम। वो कहती है कि मेरा काफ़ी बुरा समय चल रहा है, मेरा समय बहुत ही बुरे तरीके से बीत रहा है। आई नो से हर कज़िन, उसकी कज़िन कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, आई हैव हर्ड ऑल अबाउट, मैंने इसके बारे में सब कुछ सुन रखा है। केटी एंड आई एम सो सॉरी फॉर यू, इट्स हार्ड ट्रेल माई पुअर डार्लिंग। तो कज़िन हेलन कहती है कि हाँ मैंने ये सब सुन रखा है केटी, और मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस है कि तुम्हें इतने परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केटी सी शेड एट लास्ट हैज़ पापा टोल्ड यू दैट ही थिंक्स यू आर गोइंग टू गेट वेल बाय एंड बाई। तो वो कहती है कि केटी क्या तुम्हारे पापा ने कहा है कि तुम ठीक हो भी जाओगी, कुछ ही दिनों में तुम ठीक हो भी जाओगी, क्या तुम्हारे पापा ने ऐसा कहा है। यस, केटी कहती है कि हाँ कहा तो है, लेकिन ये कम से कम कुछ दिनों में तो नहीं होने वाला, इट वॉन्ट बी फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, मतलब जल्दी तो ठीक नहीं होने वाला। एंड आई वॉन्टेड टू डू सो मैनी थिंग्स, और मुझे काफ़ी कुछ करना था और अब मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही। केटी कहती है कि मुझे ठीक होने में काफ़ी समय लगेगा और मैं काफ़ी कुछ करना चाहती हूँ लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि मैं अपने बेड पे पड़ी हूँ। व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, कैसी चीज़ें तुम करना चाहती हो, कज़िन हेलन केटी से पूछती है। स्टडी एंड हेल्प पीपल एंड बिकम फेमस, मैं पढ़ना चाहती हूँ, लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ और फेमस बनना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि बच्चों को पढ़ा सकूँ। मामा सेड आई मस्ट टेक केयर ऑफ देम, माँ कहती है कि मुझे अपनी केयर करनी चाहिए, मामा कहती थी कि मुझे अपनी केयर करनी चाहिए, एंड आई मीन टू, और मैं करती भी हूँ। नाउ आई कांट गो टू स्कूल और लर्न एनीथिंग माई सेल्फ, लेकिन अब तो मैं ना स्कूल जा पा रही हूँ और ना कुछ भी सीख पा रही हूँ। एंड इवन इफ़ आई डेयर टू गेट वेल, और अगर मैं ठीक हो भी जाती हूँ तो चिल्ड्रन जो मेरी एज के हैं वो तो काफ़ी बड़े हो चुके होंगे और उन्हें मेरी ज़रूरत भी नहीं होगी। सो बट वाई मस्ट यू वेट टिल यू गेट वेल, तो जब तक कि तुम बीमार हो या ठीक होने तक का इंतज़ार क्यों करना, आस्क कज़िन हेलन स्माइलिंग। वाई कज़िन हेलन, वट कैन आई डू लाइंग हेयर इन बेड, मैं यहाँ पे बेड पे लेटे लेटे भरा कर भी क्या सकती हूँ। वट कैन आई डू लाइंग हेयर इन बेड, अ गुड डील, काफ़ी कुछ कर सकती हो। मैं तुम्हें बताऊँ केटी कि वट इट सीम्स टू मी दैट आई शुड से टू माई सेल्फ इफ आई वर इन योर प्लेस, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती अगर मैं तुम्हारी जगह पे बिस्तर पे पड़ी होती। यस प्लीज़, रिप्लाइड केटी वॉन्डरिंगली। केटी कहती है
कि हाँ प्लीज़ अगर ऐसा कुछ है जो मैं कर सकूँ तो मुझे बताओ। आई शुड से दिस नाउ, किटी केयर, यू वॉन्टेड टू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाना चाहती थी, वाइज बनना चाहती थी और यूज़फुल बनना चाहती थी, तो तुम्हारे लिए एक मौका है। बट वॉट इज़ द स्कूल? स्कूल है क्या? है कहाँ स्कूल? आई डोंट नो वॉट यू मीन। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। केटी कज़िन हेलन से कह रही है कि तुम्हारी बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, स्कूल है ही नहीं, मैं जाऊँगी कहाँ, मैं सीखूँगी क्या? सो दी शॉर्ट ऑफ थिंग्स केटी इज़ टॉकिंग विथ हर कज़िन। इट्स कॉल्ड द स्कूल ऑफ पेन। कज़िन हेलन कहती है कि ये स्कूल ऑफ पेन है, विद द स्वीटेस्ट स्माइल एंड द प्लेस विद द लेसन्स आर टू बी लर्न्ड द रूम ऑफ योर्स। और जहाँ तुम वो लेसन सीखोगी वो तुम्हारा बेड है, वो तुम्हारा रूम है। जो रूल्स जो हैं वो काफ़ी हार्ड हैं, लेकिन जो गुड स्कॉलर्स, स्कॉलर्स मीन्स लर्नर्स, जो अच्छे लर्नर्स हैं वो सीख सकते हैं, और जो अपना बेस्ट देंगे, फाइंड आउट आफ्टर अ वाइल हाउ राइट एंड काइंड दे आर, तो उन्हें मालूम पड़ेगा कि वो कितने सही और कितने दयालु हैं। और लेसन्स भी ईजी नहीं हैं, बट तुम जितना ही पढ़ोगी द मोर इंटरेस्टिंग दे बिकम, मतलब तुम जितना सीखती जाओगी इन लेसन्स को, ये तुम्हारे लिए उतने ही इंटरेस्टिंग होते जाएंगे। वॉट आर द लेसन्स? वो लेसन्स कौन से हैं भला, केटी पूछती है कज़िन से। वो इंटरेस्टेड है अब जो कुछ भी उसे कहा जा रहा है, बिगिनिंग टू फील एज इफ कज़िन हेलन वर टेलिंग हर अ स्टोरी। वो पूछ रही है जैसे कि उसे लग रहा है कि कज़िन हेलन उसे कोई स्टोरी सुनाने जा रही हैं। आफ्टर दैट वी सी इन द नेक्स्ट पेज, वेल देर इज़ द लेसन ऑफ पेशेंस। वो बात कर रही है पहले लेसन के बारे में जो कि पेशेंस मतलब धैर्य के बारे में है, पेशेंस के बारे में, और कहती है कि ये एक हार्ड स्टडी है, बड़ी मुश्किल से पूरी होने वाली पढ़ाई है। यू कांट लर्न मच इट एट अ टाइम, तुम एक बार में तो इसे नहीं सीख सकती, बट हर दिन कुछ ना कुछ तुम्हें सीखने को मिलेगा अगर तुम इसे हार्ट से सीख सको। एंड देर इज़ अ लेसन ऑफ चेयरफुलनेस, और उसके बाद चेयरफुलनेस, और उसके बाद है मेकिंग द बेस्ट ऑफ थिंग्स, मतलब बुरी चीज़ों से भी बेस्ट चीज़ों को बनाना। ये हमारा थर्ड लेसन है। तो फिर केटी कहती है कि कभी कभी कुछ भी नहीं होता कि हम बेस्ट बना सकें, बेस्ट बनाने को कुछ होता ही नहीं, रिमार्क केटी डोलफुली। अब केटी ये बात कहती है एक सॉरोफुल मैनर में, दुखी मन से कहती है कि कभी कभी तो हमारे पास कुछ बेहतर बनाने को होता ही नहीं। आर देयर एनी अदर स्टडीज़ इन द स्कूल कज़िन हेलन? क्या कुछ और भी स्टडीज़ हैं इसमें कज़िन हेलन? कज़िन हेलन कहती है कि हाँ, लेसन ऑफ होपफुलनेस भी है, मतलब आशा का लेसन भी है, दैट वी शुड बी होपफुल। द क्लास हैज़ एवर सो मेनी टीचर्स, इस क्लास में तो हमेशा ही कई सारे टीचर्स होते हैं, जैसे कि एक है हमारा सन, वो खिड़की के बाहर बैठा रहता है, हर दिन वेट करता रहता है फॉर अ चांस टू स्लिप एंड गेट इट एट इट्स पीपल। वो हमेशा वेट करता रहता है कब उसे मौका मिले कि वो अपने स्टूडेंट्स के पास पहुँच सके। नाउ व्हाई डज शी से सो? बिकॉज उसके कमरे में हमेशा ही अंधेरा रहता है। तो वो केटी को कहती है कि सन तुम्हारे लिए वेट कर रहा है, सो इफ़ यू ओपन द विंडोज इट विल कम टू टीच यू। हेयर इज़ अ फर्स्ट रेट टीचर टू, आई वॉन्ट शट हिम आउट इफ आई वर यू। वो एक सबसे बेहतरीन टीचर है, फर्स्ट रेट टीचर है, और मैं तो इन्हें बंद नहीं करती अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती। मतलब कज़िन हेलन कहती है कि अगर मैं तुम्हारी तरह बीमार पड़ी होती तो अपने कमरे में अंधेरे नहीं बिखेर कर रखती, मैं कमरे में रोशनी को आने देती, सनलाइट को आने देती। हर सुबह जो सबसे पहली चीज़ जब मैं उठती, आई वुड से टू माई सेल्फ, मैं खुद से कहती दैट आई एम गोइंग टू गेट वेल, मैं ठीक होने जा रही हूँ, सो पापा थिंक्स परहैप्स इट मे बी टुमारो, हो सकता है कि ये कल हो, सो इन केस दिस शुड बी द लास्ट डे ऑफ माई सिकनेस, लेट मी स्पेंड इट ब्यूटिफुली एंड मेक माई सिक रूम सो प्लीजेंट दैट एवरीबडी विल लाइक टू रिमेंबर इट। तो वो खुद ही कहती है, कज़िन हेलन कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं ये सोचती कि मेरा जो ये दिन है वो आज ही भर जब मैं बीमार हूँ, कल से मैं ठीक हो जाऊँगी, तो आज मैं इस बीमारी को कमरे में ख़त्म करके ही कल बाहर निकलूँ, मीन्स आई वुड इन्जॉय द डे ऑफ माई सफरिंग्स, मैं इस दिन को इन्जॉय करूँगी, अपनी परेशानियों को इन्जॉय करूँगी, उनसे लड़ूँगी, आई विल डिफीट ऑल माई सफरिंग्स। सो देन देर इज़ वन मोर लेसन केटी, अब एक और लेसन है, दूसरा लेसन है नीटनेस का, नीटनेस में सफाई। स्कूल रूम्स हमेशा साफ सुथरे रहने चाहिए, जैसे कि तुम्हें पता है, एक सिक पर्सन ऑट टू बी फ्रेश एंड डेंटी एज अ रोज़।
एक सिख पर्सन को हमेशा एक गुलाब की तरह, गुलाब के फूल की तरह सुंदर और सुंदर दिखना चाहिए। देन वी सी कजिन हेलेन इसके बाद कहती है कि देन आफ्टर द रूम इज अप, जब रूम प्लीजेंट हो जाए तो आई वुड हैव ऑल माई लेसन्स बुक्स फेच्ड अप, तो मैं अपने सारे ही लेसन्स बुक्स को ले लूँगी अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती, एंड आई वुड स्टडी अ कपल ऑफ आवर्स ईच मॉर्निंग, और मैं हर सुबह कुछ ना कुछ तो पढ़ती। ओह क्राइड किटी मेकिंग अ राई फेस एट द आइडिया, वो उसकी तरफ एक, दोनों ही हल्का अम्यूजमेंट और हल्का उदासी, ये दोनों ही फेसेस एक साथ दिखा रही होती है। वो अपसेट भी है और वो खुश भी है। कजिन हेलेन कहती है आई नो इट साउंड्स लाइक द डल वर्क, मुझे पता है कि एक डल वर्क लगता है कि लर्निंग ज्योग्राफी एंड डूइंग सम्स अप हियर ऑल बाय योरसेल्फ, कि घर में बैठे रहें और ज्योग्राफी और मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। बट आई थिंक इफ़ यू मेक द एफर्ट यू विल बी ग्लैड बाई एंड बाई, लेकिन मुझे पता है, मुझे लगता है कि अगर तुम कोशिश करोगी तुम धीरे धीरे बाई एंड बाई खुश होने लगोगी, एंड वॉन्ट लूज सो मच ग्राउंड, और कमज़ोर तो नहीं बनोगी अपने सब्जेक्ट में, यू सी वॉन्ट स्लिप बैक क्वाइट सो फार इन योर एजुकेशन, तुम अपने पढ़ाई में उतने पीछे तो नहीं ही रहोगी। नेक्स्ट इज किटी यू वर सेइंग जस्ट नाउ दैट दिस इज़ द वन ऑफ द थिंग्स यू वर सॉरी अबाउट दैट वॉज वाइल यू वर इल, सो यू कुड बी नो यूज टू द चिल्ड्रन। किटी अभी अभी तुमने कहा कि क्योंकि तुम लंबे समय से बिस्तर पर पड़ी हुई हो तो तुम बच्चों के किसी यूज़ की नहीं हो। डू यू नो आई डोंट थिंक यू हैव दैट रीजन फॉर बींग सॉरी, तुम्हें पता है किटी कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई सही कारण है कि तुम इस बात को लेकर अपसेट रहो। वाई नॉट, किटी पूछती है एस्ट्रोनिस्ट परेशान होकर थोड़ा आश्चर्य में कि भला ये कोई कैसे अपसेट होने वाली बात नहीं कि मैं किसी बच्चे को कुछ सिखा नहीं सकती। बिकॉज यू कैन बी ऑफ यूज़, इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है दैट यू हैव मोर ऑफ अ चांस विद द चिल्ड्रन नाउ देन यू एवर कुड हैव बीन वेन यू वर वेल एंड फ्लाइंग अबाउट एज यू यूज टू। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे पास अब ज़्यादा मौका है क्योंकि जब तुम बीमार होती, अब जब तुम बीमार हो तब तुम्हें उन बच्चों के बारे में सोचने का समय भी है, वरना और दिनों में तो तुम अपने कामों में बिजी रहती, उड़ते रहती यहाँ से वहाँ। सो यू माइट डू ऑलमोस्ट एनी थिंग यू लाइक विद देम, तुम शायद ही वो सब कुछ कर पाती जो तुम उनके साथ करना चाहती थी। सो दिस इज़ द टाइम यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ टू डू वॉट यू वॉन्ट टू डू विद द किड्स, विद द चिल्ड्रन। आई कॉन्ट थिंक वॉट यू मीन सेड किटी सैडली, किटी कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। कज़िन हेलेन हाफ द टाइम आई डोंट इवन नो वर दे आर और वाट दे आर डूइंग, क्योंकि आधे समय तो मुझे ये पता ही नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं और वो हैं कहाँ। एंड आई गेट अप एंड आई कांट गेट अप एंड गो आफ्टर देम, और ना तो मैं उनके पीछे जा सकती हूँ ना उनके साथ घूम सकती हूँ। बट यू कैन मेक योर रूम सच अ डिलाइटफुल प्लेस दैट दे विल कम टू यू, लेकिन तुम ऐसा तो कर सकती हो ना कि अपने कमरे को ऐसा डेकोरेट करो, ऐसा सुंदर बनाओ कि वो तुम्हारे कमरे में आ सकें। डोंट यू सी अ सिक पर्सन हैज़ वन स्प्लेंडेड चांस, शी इज़ ऑलवेज ऑन हैंड, क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक सिक पर्सन के पास एक अच्छा चांस होता है क्योंकि हर कोई उसके पास आना चाहता है। एवरीबडी हु वांट्स हर नोज जस्ट वेयर टू गो, हर कोई उसे जानता है, उसे पता होता है कि उन्हें उसके पास जाना चाहिए। इफ़ पीपल लव हर, अगर लोग उसे पसंद करते हैं, शी गेट्स नेचुरली टू बी वन ऑफ द हार्ट ऑफ द हाउस, अगर लोग उसे पसंद करते हैं तो ये बिल्कुल है कि लोग उसे देखने आएंगे और वो घर का हर्ट बन जाती है, घर का हर्ट बन जाती है, और हर कोई अपने हर्ट की केयर करना चाहता है। सो इफ़ यू विल कीप योर रूम नीट, इफ़ यू विल कीप योर रूम फुल ऑफ लाइट, इफ़ यू विल कीप योर रूम फुल ऑफ हैप्पीनेस, पीपल विल कम टू मीट यू, यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, जस्ट लाई डाउन वेयर यू आर एंड पीपल विल कम टू मीट यू। Once you make the little ones feel that your room is the place of all others to come, they are tired or happy or grieved or sorry about anything, and that the kitty, when they are sure to give them a loving reception, the battle is won. और अगर एक बार तुम देखो कि इन छोटे बच्चों को feel करवा सको कि तुम्हारा ये place एक ऐसा place है जहाँ पर वो आ सकें जब वो थके हुए हों, जब वो परेशान हों, जब वो हैप्पी हों, खुश हों, जब वो दुखी हों या किसी बात को लेकर परेशान हों, तो वो सीधा तुम्हारे पास आ सकें, और अगर तुम उन्हें अच्छे से ग्रीट कर पाओ तो बिल्कुल वो तुम्हारी तरफ भागे भागे आएंगे।
लोग तुमसे मिलने को आएंगे, और तब देखो कि द बैटल इज वन, मतलब तुम जो चाहती थी उनके पास जाना, तो वो खुद ही तुम्हारे पास आएंगे, दे विल कम टू मीट यू। फॉर यू नो वी नेवर डू पीपल गुड बाय लेक्चरिंग, क्योंकि तुम जानती हो कि हम लोगों का भला लेक्चर देकर नहीं कर सकते, हम उनका भला उनके जैसी ज़िंदगी जी कर ही कर सकते हैं, एंड हेल्पिंग अ लिटिल हियर। और तुम यहाँ पर थोड़ा सा हेल्प तो उनकी कर ही सकती हो, क्योंकि तुम भी परेशानी में हो और तुम उनकी परेशानियों को बेहतर ढंग से समझ सकती हो। एंड व्हेन वंस ओन लाइफ इज़ लेड असाइड फॉर अ व्हाइल, और जब किसी खुद की लाइफ को हम कुछ देर के लिए भूल जाएं, जैसा कि तुम्हारे साथ है, दैट इज़ द वेरी टाइम टू टेक अप अदर्स पीपल लाइफ्स। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है जब हम कि दूसरे की ज़िंदगी के बारे में सोच सकें, एज वी कांट डू व्हेन वी आर स्करिंग एंड बसलिंग ओवर आवर ओन अफेयर्स। क्योंकि हम ये तब दूसरों की देखभाल नहीं कर सकते जब हम अपने ही लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हों, बहुत जल्दी जल्दी अपने कामों को समेटने में लगे हों। नो आई एम नॉट अ बिट, नहीं मैं उतनी परेशान नहीं हूँ। होल्डिंग कजिन हैंड टाइट इन हर्स, यू कांट थिंक हाउ मच बेटर आई फील। अब वो कहती है कि नहीं, अब तो मैं थोड़ी भी परेशान नहीं हूँ, अब तो मैं ज़रा भी परेशान नहीं हूँ। होल्डिंग कजिन हेलेंस हैंड टाइट इन हर्स, यू कांट थिंक हाउ मच बेटर आई फील। ओह कजिन हेलेन आई विल ट्राई, मतलब तुम्हें तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं कितना बेटर फील कर रही हूँ। कज़िन हेलेन आई विल ट्राई, मतलब कि मैं पूरी कोशिश करूँगी, दैट आई विल फॉलो वट एवर यू हैव इंस्ट्रक्टेड मी, वट एवर यू हैव सजेस्टेड, वट एवर यू हैव टॉट मी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन, क्वेश्चन आंसर्स विल डू इन आवर क्लास। सो टिल देन डू वॉच द वीडियो कम्प्लीट वंस अगेन इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड, एंड यू कैन रेज योर क्वेश्चन ड्यूरिंग द क्लास टाइम। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन, थैंक यू एंड गुड बाय।